आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय पर लगा हुआ है जूतों को पार्सलों का अंबार। दीपावली के त्योहार के उपलक्ष्य में सभी व्यापारी करते हैं आगरा के जूते की खरीदारी। आपको बता दें कि आगरा से बना हुआ जूता जो कि देश विदेशों में पार्सल होकर जाता है, लेकिन इस बार शायद ऐसा लगता है कि दीपावली पर बाहरी दुकानदारों का पार्सल शायद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ही अपनी दिवाली बनाएगा। जिस दिवाली के इंतजार में आगरा के दुकानदार और आगरा खरीदारी करने आए बाहरी व्यापारी साल भर इंतजार करते हैं, वो भी इस बार दीपावली पर अपनी दुकानों पर खाली बैठे बस अपने पार्सलों का इंतजार ही करेंगे। या तो सरकार ट्रेनों में पार्सलों के लिए अलग से डिब्बे लगवाए या फिर कोई रास्ता निकाले जिससे कि सभी पार्सल अपने समय से व्यापारियों तक पहुँच सके। सर, इसका कारण ये है कि दिल्ली से जो गाड़ियाँ आती हैं, लगभग जितनी गाड़ियाँ हैं या तो लीज पे हैं या फिर दिल्ली से पैक आती हैं। आगरा के अंदर जो माल बुक होता है, यहाँ के जो अधिकारी हैं या प्रशासनिक हैं, वो सिर्फ क्या नाम है, लीज पे और इंडियन गाड़ियों पे फोकस करते हैं, जो कि पार्सल के जो क्लियरेंस की गाड़ियाँ हैं उन पर डिपेंड नहीं करें, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि जो माल बुक हो रहा है वो क्लियरेंस होगा कि नहीं होगा। जो कि इक्के दुक्के वाले व्यापारी हैं उनका माल 15-20 दिन पटके जाता है। और जो रेलवे को नुकसान होता होगा? नहीं, रेलवे को कोई नुकसान तो बहुत है, अगर क्लियरेंस नहीं होगा तो व्यापारी आएगा नहीं। अभी 75% करीबन ट्रैफिक बाई रोड गया है रोड पे। अच्छा जी, काफ़ी ट्रैफिक माल बाई रोड गया। हमने खुद अपना माल यहाँ से क्लियरेंस ना होने के चक्कर में टाटा भर के भेजी है गाड़ियाँ। अच्छा। बाई रोड क्लियर किया है माल हमने, सब जूता है, सब जूता जाता है यहाँ से। आगरा से जूते और पूजा सामग्री मथुरा से, ये दोनों आइटम्स दिवाली के समय बहुत भारी मात्रा में मुंबई और हावड़ा की तरफ भेजे जाते हैं, पर यही हाल दूसरे डिविजन्स में भी रहता है। और आगरा आने वाली ज़्यादातर गाड़ियां दिल्ली की तरफ से आती हैं। दिल्ली बहुत बड़ा मार्केट का हब है, इस वजह से आगरा आने वाली गाड़ियों में वहीं से लोडिंग आती है और स्थान कम मिलता है। फिर भी जहाँ तक कोशिश होती है ट्रेनों में लोडिंग करके सामान जल्दी क्लियर कराया जाता है। उसके अलावा जैसे हमें डिमांड मिलती है, इंडेंट मिलता है, तो स्पेशल पार्सल वैन्स लगा के भी सामान को क्लियर किया जाता है। तमाम व्यापारी ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि दूसरे जोन और डिवीजन से भी स्पेशल पार्सल वैन्स मंगा के उनको क्लियर किया जाए जल्दी से जल्दी, ऐसा करने का प्रयास करते हैं।